हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार के बाद फाइनली पंजाब की काउंसलिंग अब शुरू होने जा रही है, या कह सकते हैं शुरू हो गया है प्रोसेस। तो पंजाब जो कि एक क्लोज स्टेट है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे काउंसलिंग में। तो पंजाब एक क्लोज स्टेट है, अगर आपको इसमें एडमिशन लेनी है तो इसमें आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। और ये काउंसलिंग कराता है BFUHS यानी कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा है, आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक डाउट कोशिश करेंगे कि क्लियर करेंगे। प्रॉस्पेक्टस आ गया इसका। तो सबसे पहले BFUHS की वेबसाइट में मैं पहुंच चुका हूं। दोज हू डोंट नो द वेबसाइट BFUHS.ac.in, जब आप उस पर जाओगे तो बिल्कुल नीचे जाके ये आ गया है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन MBBS एंड BDS कोर्सेज अंडर नीट UG 2024। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये खुल के आएगा, नोटिफिकेशन आया हुआ है इसके साथ, एंड साथ में रजिस्ट्रेशन का लिंक है, आप रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ पे बिल्कुल ऊपर अगर हम जाते हैं तो इस जगह पे प्रॉस्पेक्टस का ऑप्शन है हमारे पास, तो प्रॉस्पेक्टस खोल लेते हैं। खैर, आप खोल सकते हो, तो मैं जस्ट ब्रीफ आउट करूँगा मेजर बातें जो हैं इसके ऊपर, तो आप पढ़ भी सकते हो प्रॉस्पेक्टस के अंदर, ठीक है ना। तो प्रॉस्पेक्टस में सबसे जो पहली बात है वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो रहेगी वो 9 अगस्त को वेबसाइट पे आ जाएगी। आज 9 अगस्त है, वेबसाइट पे प्रॉस्पेक्टस आ चुका है। एंड देन जो इसकी एप्लीकेशन, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन करानी है वो 15 अगस्त तक करा सकते हो आप, ठीक है ना। द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 अगस्त। छुट्टी नहीं सोचनी है 15 अगस्त की। नेक्स्ट, सो लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द फीस इज, मतलब कह सकते हैं 16 अगस्त है। फीस की अगर मैं बात करूं तो हर साल की तरह जनरल कैटेगरी के लिए ये 5000 फीस है और प्लस 18% चार्जेस, तो 5900 है। एंड SC के लिए ये 2500 है, और कह सकते हैं कि ये 2950 बन जाएगा ये, अगर हम इस पर 450 के 18% GST चार्जेस लगा लें, ठीक है ना। तो ये तो रही 3 इंपॉर्टेंट डेट्स कि आज प्रॉस्पेक्टस आ चुका है। 15 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और 16 तारीख तक आपको इसका फीस लास्ट डेट सबमिशन करना है। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे, जो पंजाब का काउंसलिंग है ये एक ही बार ओपन होता है, इसलिए अगर आपको लगता है राउंड 2 में कराना है या कैसे भी कराना, आपको अभी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन पिछले सालों की तरह अगर हम देखें तो एक ही बार खुलता है, तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन कराना है। ये ध्यान रखना है इस बात का, सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी का अगर कोई भी कैंडिडेट है, या PWD कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो जो बच्चा 11th-12th में गेम खेलता है, नेशनल लेवल पे खेला है, स्टेट पे खेला है, तो उसकी अपनी एक ग्रेडेशन हो रखी होती है A, B, C डिपेंडिंग अपॉन वो इंटरनेशनल खेला है, नेशनल खेला है कि स्टेट खेला है। तो आपको वो अपनी ग्रेडेशन के हिसाब से आपको ये 16 तारीख तक यूनिवर्सिटी में जो है वो फिजिकली अप्रोच करना है, ताकि आपके सर्टिफिकेशन की वेरिफिकेशन हो सके, क्लियर। एंड कोई भी अगर PWD कैंडिडेट है उसको भी ऐसा करना है अप टू 16 तक, और ये आपको जाना है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फरीदकोट। इसके अलावा अगर कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी में अप्लाई करना चाह रहा है, मेरा कोई भी कैंडिडेट अगर करना चाह रहा है, तो उसे CMC लुधियाना यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अंदर 9 तारीख से लेके, यानी कि आज से लेके 17 तारीख तक वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग में एक बार अपना सर्टिफिकेशन वेरीफाई कराना है। सिमिलरली अगर कोई सिख माइनॉरिटी के थ्रू SGRD में एडमिशन कराना चाह रहा है अमृतसर में, तो उसे वहाँ जाके 16 से लेके 18 तारीख तक उसे ये वेरीफिकेशन कराना है। ये फिजिकल वेरीफिकेशन मस्ट है, आपको डेफिनेटली जाके कराना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली NRI कोटे के लिए ये 19 तारीख तक कराना है। नेक्स्ट 20th को जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। खैर, इस साल तो बच्चों ने बहुत कैलकुलेशन लगा दिया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का, क्योंकि हमारे पास पूरा एक सेंटर का डाटा आ गया था, बट फिर बाद में -5 हुआ, तो वो इम्पैक्ट जो है वो समझ नहीं आया कि क्या किया जा सकता है उसका। तो एक्चुअली में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ पंजाब आ जाएगी, ठीक है ना। कई बच्चे कहते थे, मैं तब भी मेरी बहुत बच्चों से बात हुई, वो कह रहे सर मेरा 500 रैंक बन रहा है, ठीक है ना, या इतना कट ऑफ जाना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता था कि देखो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वही बच्चे आएंगे जो पंजाब में सीट लेने में इंटरेस्टेड हैं। जो ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हीं के डाटा के अकॉर्डिंग एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी एंड तब पता चलेगा कि आप पंजाब में कौन से नंबर पे स्टैंड कर रहे हो और क्या कट ऑफ सिनेरियो रहना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर। उसके बाद जो है वो 21 तारीख को शाम 5 बजे तक अगर आप कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो कि भाई मेरा जो कैटेगरी है वो गलत भरा गया है उसके अंदर, या कोई भी किसी भी तरीके का अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसमें भर सकते हो। वैसे ये चांसेस कम ही होते हैं बट स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड 23 तक ये प्रोविजनली दोबारा से आ जाएगा। अगर कोई भी ऐसी इसमें कोई बात आती है तो वो 23 तक दोबारा से रीअपलोड प्रोविजनल लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। क्लियर। तो बात करते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की। तो कल से यानी कि 10 तारीख से चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी एंड सीट मैट्रिक्स, दूसरी ज़बरदस्त बात ध्यान रखने वाली, सीट मैट्रिक्स भी कल ही ध्यान में आएगी। फिर जब आप भरोगे तो सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में रखना होता है वो सीट मैट्रिक्स का ही रखना होता है कि वहाँ पे अप्लाई करते टाइम, चॉइस फिलिंग करते टाइम। तो चॉइस फिलिंग जो है वो कल शुरू हो जाएगी एंड टिल 24 अगस्त तक है। चॉइस फिलिंग से पहले एक बार सीट मैट्रिक्स देखना चाहिए, वो आपको दिखेगा जब आप रजिस्ट्रेशन में अपना डैशबोर्ड खोलोगे तो आपको सीट मैट्रिक्स का कॉलम दिखेगा। क्लियर। उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो 25 से लेकर 27 तारीख तक होगा और 28 तारीख को फर्स्ट रिजल्ट जो है हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई भी अगर ऑब्जेक्शन है तो वो 29 तारीख तक लगाया जा सकता है और खैर ऑब्जेक्शन के तो चांसेस कम है कह सकते हैं। इसके बाद जो मेन प्रोसीडिंग है वो ये है कि आपको 31 तारीख से लेके 5 सितंबर टीचर्स डे तक आपको ये यूनिवर्सिटी में जाके वेरिफिकेशन करा के आनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। वहाँ पे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और यहाँ वहाँ पे ही आपको 6 मंथ्स की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो भरनी है। ठीक है ना। याद रखिए कॉलेज की फ़ीस नहीं है। फिर से पॉइंट ध्यान देने वाला है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस का मतलब क्या है कि अगर कल को आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो जाते हो तो आपका कोई भी कॉलेज बदल जाता है या कुछ भी बदल जाता है तो यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर कॉलेज को आपकी फ़ीस दे देगा। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, लेट्स सपोज राउंड 1 में आपको जीएमसी अमृतसर आ रहा है तो आपने यूनिवर्सिटी को फीस पे कर दी है BFUHS को, तो इन केस अगर आप सेकंड राउंड में पटियाला में आ जाते हो तो आपकी फ़ीस BFUHS पटियाला कॉलेज में भेज देगा। तो ये एडजस्टेबल है। तो आपको ये 6 महीने की फ़ीस जो है वो BFUHS के नाम पर इस टाइम पर भरनी होगी बिटवीन 31 अगस्त एंड 5 सितंबर। ठीक है ना। तो ये कुछ डेट्स हैं याद रखने वाली। इसके बाद राउंड 2 के बारे में अभी तक फ़िलहाल इन्होंने राउंड 2 राउंड 3 के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है ना। हम थोड़ी सी बात इसके ऊपर ज़रूर करेंगे कि पहले क्या होता है। ठीक है ना। पर थोड़ा सा मैं पहले प्रोस्पेक्टस की बातें कर लें। इसके अलावा जो कुछ बातें ध्यान में रखने वाले होंगे हम ज़रूर करेंगे। यहाँ कैटेगरीज बताई हुई है कि कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरी है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है मेरे पास पेज नंबर 11 पे, सीट मैट्रिक्स प्रोसेस शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ चॉइसेस। मैंने पहले भी बोला आपको प्रेफरेंसेस भरते टाइम या आपको डेफिनेटली दिखेगा सीट मैट्रिक्स, तो सीट मैट्रिक्स देख के ही भरना है। क्लियर। नेक्स्ट तो पूरा प्रोसेस है, खैर लिखा हुआ है, पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो मैंने वैसे क्लियर कर दिया आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है, फिर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फीस विच इज़ 5900, दिस इज़ नॉन रिफंडेबल। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर कोई भी पर्टिकुलर किसी की कैटेगरी है, ठीक है ना, अदरवाइज डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट्स है, उसके बाद जाके ट्यूशन फीस भरनी है ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो कि 6 महीने की यूनिवर्सिटी को भरनी है। ठीक है ना। एंड उसके बाद रिपोर्टिंग आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है एंड अगर सब कुछ एलिजिबल फाउंड होता है तो आपको सीट जो है वो दे दी जाएगी। क्लियर। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है फिलहाल फर्स्ट राउंड तक का। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खैर पढ़ने वाली, पर इसके अंदर ये बताया हुआ है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। ये हम संडे को भरेंगे। हमारे पास 15 अगस्त तक का टाइम है। हम संडे को यानी कि परसों ये स्टेप बाय स्टेप किसी एक बच्चे का फॉर्म भरेंगे। ठीक है ना। तो टिल देन लेट मी टेल यू, मतलब ये वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या होता है वैसे इसमें। ठीक है ना। सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल भरोगे तो आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी। तो बेसिक डिटेल्स के बाद आपको मतलब बेसिकली यहाँ पे मतलब आपका सारा नीट का जो क्रेडेंशियल है वो आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम है डैशबोर्ड के बाद वो दिखता है कॉलेज और सीट मैट्रिक्स का, ठीक है ना। और दूसरा जो कॉलम दिखता होता है वो मतलब कह सकते हैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का है, ठीक है ना। तीसरा जो है वो चॉइस फिलिंग का होता है। चौथा ऑप्शन जो होता है वो प्रीव्यू द चॉइसेस होता है, पूरा एक लिस्ट बन के आ जाता है जिसमें आप देख सकते हो अपना ऑर्डर देख सकते हो। एंड पाँचवा जो होता है वो लॉग आउट का होता है। सो बेसिकली डैशबोर्ड, उसके बाद कॉलेज और सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपका, फिर उसके बाद आएगा चॉइस फिलिंग। फिफ्थ पे चॉइस फिलिंग का पूरा एक प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू मतलब जैसे रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा पूरा कि ये आपका ऑर्डर बना है। एंड लास्ट पे लॉग आउट है, सीट मैट्रिक्स देख के ही भरना है, क्लियर। तो ये 6 पार्ट्स रहेंगे जो कि हम संडे को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो पार्ट बी शुरू हो जाता है। पार्ट बी के अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे कुछ अगर मतलब मैं सर्टिफिकेशंस की बात करूँ तो एक स्वॉन डिक्लेरेशन होता है जो आपको करना है। वो ये है कि मैं पंजाब में अप्लाई कर रहा हूँ, किसी और जगह पे अप्लाई नहीं कर रहा। अब कई बच्चों को इस बात में भी कन्फ्यूजन है कि किसी और जगह अप्लाई नहीं कर रहा तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। क्या मैं यूपी में अप्लाई नहीं कर सकता? कर सकते हैं आप, ऑल इंडिया सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर आप कोई भी ऐसी किसी भी स्टेट सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जिनके लिए उनका डोमिसाइल लगता है। डोमिसाइल के थ्रू आप एक ही स्टेट में लीगली अप्लाई कर सकते हो। आप उस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आती है या जिसमें स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है या स्टेट डोमिसाइल की कोई क्लेम नहीं है। फाइन। तो इसके अलावा अगर मैं आप थोड़ी सी इस मतलब सर्टिफिकेशंस तो हैं, स्वॉन सर्टिफिकेट हो गया, एक गैप सर्टिफिकेट आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड हो। स्वॉन को आपको नोटरी अटेस्ट कराना है और गैप सर्टिफिकेट जो है जैसे जो ड्रॉपर्स हैं उनका गैप सर्टिफिकेट वो सेल्फ डिक्लेयर्ड है, ठीक है ना। आपको खुद से साइन करके देना है कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने एक साल ड्रॉप किया हुआ है ना। इसके अलावा जिन सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है वो आपके पास 10th का डीएमसी होना चाहिए जिस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशनड हो डेफिनेटली, +1 का डीएमसी होना चाहिए, +2 का डीएमसी होना चाहिए, नीट का फाइनल कन्फर्मेशन रिजल्ट होना चाहिए, कोई भी कैटेगरी अगर आपके पास है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात पंजाब का रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट के। जैसे सबसे ईजीएस्ट का हमारे हम जहाँ रहते हैं जो लीगली रह रहे हैं उनका कोई इशू नहीं है, वो तहसीलदार से डायरेक्टली डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास एक फ़ोटोग्राफ और साइन का, इन सब का जो है आपको जेपीजी अपलोड करना है वेबसाइट के ऊपर, जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, ठीक है ना, 500 KB के अंडर। और जो फ़ोटोग्राफ और साइन है ये भी आपको कंप्रेस करके एज अ पिक्चर अपलोड करने हैं ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म, ठीक है ना। तो इनके अलावा अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहे हो तो वो आपको उसका सर्टिफिकेट जो है वो मेंशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो मैं आपको टाइमली बताता रहूँगा, ठीक है ना। बाकी हम फॉर्म भरेंगे तो पता चल जाएगा इसके बारे में। इसके अलावा एक दो बातें जो मैं और करना चाहूँगा, जैसे अभी सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की कोई बात नहीं हुई है तो एक दो बातें इसके बारे में और मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे एक तो पंजाब में आपको पता ही है कि पंजाब एक क्लोज स्टेट है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 85% गवर्नमेंट कोटे की सीट्स हैं जो पंजाब डोमिसाइल से ही भरी जाएंगी, 15% ऑब्वियसली ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। तो ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से ये कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है और पंजाब डोमिसाइल के हिसाब से ये कट ऑफ काफ़ी नीचे तक जाता है। इसीलिए मैंने देखा है कई फेक अटैम्प्ट भी होते हैं डोमिसाइल के, पर एज सच जिसके पास डोमिसाइल होगा सही तरीके से वही यहाँ पे सीट अप्लाई कर सकता है। क्या कट ऑफ रहने वाला है इसका एक हमने अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा जो है हमने लास्ट वीडियोस में लगाया था, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो 4 ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की कहानी है, ठीक है ना। इसके अलावा 6 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। 6 में अगर मैं 4 की बात करूँ, जैसे 4 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वो तो थे GMC पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट एंड मोहाली, और यही मेरा ऑर्डर सीक्वेंस है, ठीक है ना। पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट एंड मोहाली। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 6 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें 4 पहले तो DMC आता है, द मोस्ट प्रोमिनेंट DMC, सेकेंड नंबर पे PEMS, थर्ड पे ज्ञान सागर बनोट एंड फोर्थ पे आदेश जो कि फुल्ली मैनेजमेंट सीट रखता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा 2 और हैं CMC और SGRD जिनमें कुछ माइनॉरिटी, कुछ नहीं काफ़ी माइनॉरिटी सीट्स हैं। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए CMC एंड सिख माइनॉरिटी के लिए SGRD में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो तकरीबन 2 लाख के आसपास जीएमसी की सीट होती है, फीस होती है एक साल की। एंड अगर मैं सेमी गवर्नमेंट सीट की बात करूं जो कि आज की डेट में फ़िलहाल डीएमसी में है, पेम्स में है एंड ज्ञान सागर बनोट में है। ऑल्दो डीएमसी का इशू चल रहा है बट स्टिल फ़िलहाल अभी यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं जिसकी फ़ीस तकरीबन 4 से 4.5 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास जाती है साल की। एंड अगर मैं प्राइवेट सीट की बात करूँ, कह सकते हैं जिसे मैनेजमेंट सीट कहा जाता है, जो कि इन तीनों कॉलेजेस में तो है ही, हाफ ऑफ द सीट्स आर सेमी गवर्नमेंट एंड हाफ ऑफ द सीट्स आर मैनेजमेंट सीट्स, इन तीनों में डीएमसी, पेम्स एंड ज्ञान सागर बनोट में। इसके अलावा फोर्थ आदेश, क्योंकि आदेश एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी है इसलिए इसमें सारी की सारी सीटें मैनेजमेंट फीस के हिसाब से ही भरी जाती हैं, जो कि तकरीबन 11 से 12 लाख के आसपास है विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% ऑफ एवरी ईयर, ठीक है ना। अब अगर मैं आदेश की एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कई बच्चे मतलब आदेश के बात करते थे, आदेश एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी है तो जब आप पीजी के लिए अप्लाई करते हो तो तब यहाँ के बच्चे अक्सर बात करते हैं, जब मेरे से डील करते हैं क्योंकि हर कॉलेज में लगभग हमारे बच्चे हैं तो अक्सर बातें जब होती हैं तो वो बताते हैं कि जब पीजी में इन्हें आईपी नहीं मिलता जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, तो ये जो बच्चे हैं आदेश में अप्लाई करते हैं इनको जब बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमडी के लिए अप्लाई करना होता है तो BF UHS के थ्रू अप्लाई नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जब हम आदेश में मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई करते हैं, तो सोचने वाला एक विषय रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद आता है सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट राउंड में एज सच प्रॉस्पेक्टस में भी कुछ भी मेंशन नहीं है एंड लास्ट ईयर्स में भी देखते हैं फर्स्ट राउंड में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लग रहा, ठीक है ना। बाकी फॉर्म भरते टाइम अगर कुछ आया तो हम देखेंगे, फिलहाल तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आएगा, फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं है एज सच। सेकेंड राउंड में ये चीज़ आती है, सेकेंड राउंड से पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन GMC तो ये 10,000 है एंड अगर आप प्राइवेट में भी इंटरेस्टेड हो तो ये 1 लाख है, फिर चाहे वो MBBS है चाहे वो BDS है, तो ये फीस जो सिक्योरिटी फीस है इसका सिनेरियो सेम रहता है। अब फिर बहुत डर रहता है इस चीज़ का कि क्या ये सिक्योरिटी फीस रिफंड नॉन रिफंड का क्या इशू है, ठीक है ना। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, सेकेंड राउंड से पहले आपको ये बताना है कि हमें ये सीट लेनी है या नहीं लेनी है, हमें गवर्नमेंट सीट लेनी है या प्राइवेट में भी जा सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट होगा तो 10,000 रुपये भरने हैं और अगर आप प्राइवेट में भी इंटरेस्टेड हो तो 1 लाख रुपए भरने हैं। अब अगर आपको सीट आ जाती है सेकेंड राउंड के बाद तो लेनी कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका जो ये फीस भरा हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट ये गया, इन दैट केस गया, अगर आपने वो सीट नहीं ली। हाँ अगर आपने वो सीट ले ली है तो ये आपका सिक्योरिटी अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा आपकी फ़ीस के अंदर, ठीक है ना। तो आपको चॉइस फिलिंग बड़े हिसाब से ही करनी है कि अगर हमें लेनी है वही सीट भरनी है, क्योंकि अगर वो आती है और आप नहीं लेते हो तो फिर इन दैट केस आपकी सिक्योरिटी जो है फॉरफिट हो जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट आ रखी है कोई, तो आप इसके बाद अगर थर्ड राउंड जो भी ऑफलाइन राउंड है या मॉपअप राउंड है या स्प्रे राउंड है, तो थर्ड या फोर्थ राउंड आप इनमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको सीट आई थी तो आप छोड़ के इन राउंड्स में नहीं जा सकते हो एज़ पर द प्रीवियस सिनेरियोस, ठीक है ना। तो आपको अगर सीट आएगी तो ये आपको लेनी पड़ेगी। हाँ इन केस आपको सीट ही नहीं आती है, आपके रैंक तक ये सीट नहीं पहुँच रही है, तो फिर आपकी सिक्योरिटी 101% रिफंडेबल है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर फुल गारंटी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सीट नहीं आएगी तो ये रिफंडेबल है, क्लियर। बाकी इस पर कोई भी अगर सिनेरियो कोई चेंज आता है तो वो पता चलता रहेगा, हम आपको उस हिसाब से बता देंगे। तो ये लास्ट ईयर्स तक सिनेरियो रहा है, ठीक है ना। एक बात मैं लास्ट में फिर से बोलना चाहूँगा, फॉर्म एक बार ही खुलता है तो ये डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। फाइन, स्टिल मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेजर क्वारीज जो हैं वो डिस्कस कर दी हैं। अगर स्टिल किसी का कोई डाउट पेंडिंग है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मेरे से पर्सनली बात कर सकता है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बेनिफिशियल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।